भाव देखो, और जो है आप मेरे पीछे झाड़ बन रही है भाई, आप इसको देखो एक बार भाई। इतना पानी तो ना मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा भाई, हर सेकंड में लाखों टन पानी। ये देखो आप, और भाई अगर जन्नत की बात करें ना, तो असली जन्नत यही है। ये देखो भाई, तो भाई आपको अमेरिका, इंग्लैंड, कैरिबियन आइलैंड कहीं जाने की जरूरत नहीं है, असली जन्नत आपको इंडिया के अंदर हरिद्वार ऋषिकेश में मिलेगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज भाई अलग ही नज़ारा है गंगा मैया का। देखो आप, गंगा नदी का आज अलग ही नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा नीला पानी है, और जैसे परसों बारिश हुई थी तो कितना मतलब गंदा पानी आया हुआ था, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा। लेकिन अगर आप आज देखोगे, देखो मेरे भाई पीछे बिल्कुल फोग होते हैं ना, जो बादल होते हैं वो बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। ये देखिए, हम आप कैमरे से ये देखो भाई, अगर आपको दिख रहे हैं तो ये सारे जितने भी हैं ना, ये बादल है, और ये देखो कितने नीचे आ चुके हैं। और उधर देखो, और वहाँ देखो भाई, और ऊपर आप ऊपर का सीन देखो, बारिश के बाद का ये एटमॉस्फेयर है। ये देखिए एनवायरनमेंट कैसा हो चुका है, और भाई बिल्कुल मज़ा आ रहा है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ठंड भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, मतलब बहुत अच्छा मौसम है भाई अभी यहाँ पे। और पीछे आप देख ही सकते हो मेरे बादल कितने नीचे उतरे हुए हैं, और भाई नदी का जो बहाव है, नदी का जो स्तर है, लेवल बढ़ चुका है। जैसे कि परसों की बात करूं, परसों वहां तक भाई पानी नहीं था, लेकिन आज देखो पैड़ियों तक पानी पहुंच गया है। ये देखिए आप, हम उधर नहा रहे थे परसों पत्थर पर, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं जो पत्थर है, हम उधर पत्थर पर नहा रहे थे परसों, और उधर कल हम बीच पर गए थे। तो आज देखो भाई वहाँ पर, और बहाव देखो भाई आप एक बार आज। तो चलिए भाई, आपको बादलों के बीच लेकर चलते हैं। एंड गाइस, बिल्कुल सेम टू सेम कैरिबियन आइलैंड जैसी फीलिंग आ रही है। आप अगर मेरे पीछे देखोगे भाई, ये देखो आप,
ऐसे लग रहा है जैसे कोई कैरेबियन आइलैंड हो पीछे, और उधर ये बीच है, मैं आपको दिखा दूँ। और भाई बिल्कुल आप मेरे पीछे देखो, ये देखो आप, बहाव बहुत तेज हो चुका है, गंगा का जल स्तर बढ़ चुका है, लेवल बढ़ चुका है भाई पानी का। और ये देखो भाई बारिश के बाद का सीन है, और बादल देखो भाई आप कितने नीचे उतर आ चुके हैं बादल। और भाई बिल्कुल कैरेबियन आइलैंड जैसी फीलिंग आ रही है, सेम टू सेम। आपको लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख रुपए आपको खर्चने की जरूरत नहीं है, 5-6 हज़ार में आपका ट्रिप बढ़िया कवर हो जाएगा। और आप अगर आप बिल्कुल बजट में ट्रिप कवर करना चाहते हैं तो हमारी पूरी वीडियो देखिए जो हमने पहले बनाई हुई है। और भाई यहाँ से लोग गंगा जल भर रहे हैं, और पानी का बहाव देखो भाई, यू जस्ट इमेजिन, आप सोच के देखो भाई कितना तेज बहाव है। और जो ये अभी पैड़ी दिख रही है ना आपको सीढ़ियाँ, इससे यूँ लगा लो आप 50 मीटर आगे तक पानी नहीं था परसों की अगर मैं बात करूँ, और आज देखो भाई पानी का बहाव कितना तेज हो चुका है किनारे पर ही। और भाई अगर जन्नत की बात करें ना तो असली जन्नत यही है, ये देखो भाई। तो भाई आपको अमेरिका, इंग्लैंड, कैरेबियन आइलैंड कहीं जाने की जरूरत नहीं है, असली जन्नत आपको इंडिया के अंदर हरिद्वार ऋषिकेश में मिलेगी, ये देखो भाई। और भाई बहाव देखो आप मेरे पीछे, देखो भाई मैं आपको दिखाता हूँ अभी, और गाइस जब हम आए थे परसों तो बिल्कुल ही आप देख सकते हो कितना कम पानी था, और आज देखो भाई बहाव देखो, और जो है आप मेरे पीछे झाड़ बन रही है भाई, आप इसको देखो एक बार भाई, इतना पानी तो ना मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा भाई, हर सेकंड में लाखों टन पानी, ये देखो आप। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये देखो भाई जन्नत बिल्कुल, ये देखो भाई। तो भाई परसों बारिश हुई है और आज भी हुई थी, दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, पर जिसके चलते वो गंगा में बहुत तेज उफान आ गया भाई, बहुत तेज पानी हो चुका है, ये देखिए आप। हरिद्वार की तो मुझे पता नहीं ऋषिकेश, हरिद्वार का क्या सीन होगा अभी हर की पौड़ी पर, लेकिन ऋषिकेश में आप ये देख सकते हैं गंगा में बहुत तेज उफान आया हुआ है। और भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में एक, क्योंकि हम आपके लिए इतनी इतनी दूर चल के आते हैं, हरिद्वार की ट्रिप आपके लिए ले गए, आगे और भी बहुत सारी ट्रिप आपके लिए होंगी,
तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लोग बोलते हैं स्थिर रहता है, राफ्टिंग के टाइम आते हैं यहाँ पे मोस्टली, और इस टाइम तो बारिश होती है तो बारिश हो रही है जी। आपने देखा है सर इतना भाव कभी? नहीं, इतना तो मैंने अपने बनारस में गंगा जी में कभी नहीं देखा है। गंगा जी में नहीं देखा? तो आप स्नान कर लिए यहाँ पे आपने? हाँ, कल ही हम सुबह सुबह आए थे, कल ही हमने स्नान किया। तो सर जो गर्मियों की छुट्टियों में अब भी घर बैठे हुए हैं लोग, उनको क्या कहना है? अभी यही कहेंगे जितने भी गर्म जगह पे रह रहे हैं वो थोड़ा घूमें, नॉर्थ के साइड आए, इधर साइड आए, ऋषिकेश में तो मतलब आनंद है। यहाँ पे हरिद्वार अभी चार धाम यात्रा चल रही है यहाँ पे जी जी। तो इस वजह से ऐसा कैरिबियन आइलैंड जैसी फीलिंग आपको कहीं मिल सकती है सर? लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं विदेशों में जाने के लिए जी जी। और यहाँ देखो सर कहीं नहीं, यहाँ तो हम आया करते थे पहले राफ्टिंग के लिए जी, दिसंबर के बाद जी। तो मेरे दोस्त आते थे तो हम तो अभी ऐसे ही आ गए चार धाम यात्रा के लिए, तो राफ्टिंग का अभी कोई पर्पज नहीं है हमारा। हाँ, अभी तो भाव बोलते हैं जी जी। ठीक है, तो भाई ये देखिए मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई कहाँ से आए हो आप? बिहार से आए हो? तो भाई आपने उसको टैग दिया कितना था? क्या चीज़ ना आता है? ना आता है? तो भाई मजा आ रहा है पूर्णिया में? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? यहाँ एक डेढ़ महीना। एक डेढ़? हाँ, फुल मजा आ रहा है। बहुत जितने तन्ना आ रहे गड़ा पेट के थे। ए भाई जाओ तुम भी। तो भाई फुल मजे कर रहे हैं यहाँ पे, दरभंगा बिहार से आए हुए हैं। नित्या जिला से? नित्या जिला से नितिन। क्या लगी? क्या लगी इनके साथ? ए खाली ही जाओ ना, चलो जा लगी अंदर। हाँ, ज़्यादा क्यों आप? बड़ा सारा आ गया।
चावल देखा।